नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डेमन। अगर आप एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे हो और अचानक आपकी कार खराब हो जाए और दूर दूर तक कोई भी मदद के लिए मौजूद ना हो, और तभी आपको कोई मिलता है जो आपकी मदद करता है, लेकिन बाद में आपको पता लगे कि ये इंसान था ही नहीं बल्कि कोई और ही एंटिटी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आज की जो स्टोरी भेजी है वो भेजी है कुलविंदर ने, जो कि लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। इनके साथ कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जो कि इनके लिए लाइफ लेसन बन गया। तो चलिए देखते हैं इनके साथ ऐसा क्या हुआ था। ये बात आज से लगभग 5 साल पहले की है। कुलविंदर और इनके एक दोस्त अपने एक प्रोजेक्ट के लिए शिमला जा रहे थे। एक्चुअली ये दोनों इंटीरियर डिजाइनर हैं और शिमला अपने क्लाइंट से मिलने जा रहे थे। लुधियाना से ये लोग शिमला के लिए रात को करीब 11 बजे निकलते हैं, क्योंकि इनका प्लान ये था कि ये सुबह 3 से 4 के बीच में शिमला पहुंच जाएंगे और पहले किसी होटल में आराम करेंगे और फिर दिन में अपने क्लाइंट से मिलकर सेम डे इवनिंग में वापस लुधियाना के लिए निकल जाएंगे। ड्राइव करते हुए लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था और अभी जो ड्राइविंग कर रहा था वो कुलविंदर का दोस्त कर रहा था। दोनों को ही थकान महसूस होने लगी थी और अब ये लोग किसी छोटी सी दुकान या ढाबे को देखने लगे थे, जहाँ पर ही थोड़ा रुककर रेस्ट कर सकें और चाय पीकर नींद को दूर कर सकें। आगे जाकर इनको एक छोटी सी चाय की दुकान दिख जाती है, जहाँ पर 3 से 4 लोग बैठे हुए थे। तो ये वहाँ जाते हैं और अपनी कार रोक देते हैं, चाय वाले को चाय बनाने के लिए बोलते हैं। चाय वाला इन्हें चाय देता है और चाय पीते हुए जो कुलविंदर का दोस्त है वो कुलविंदर को बोलता है कि अगर यहाँ से कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए तो हम जल्दी शिमला पहुंचकर होटल में आराम कर लेंगे। तो ये चाय वाले से पूछते हैं कि भैया, यहाँ से शिमला जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता भी है क्या? तो चाय वाला सजेस्ट करता है कि वैसे तो आप लोग मेन हाईवे से जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये रास्ता सेफ है और आपको रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रात का समय है और आगे पहाड़ों का रास्ता शुरू हो जाएगा। बाकी एक शॉर्टकट रास्ता है जो बाईपास से होकर जाता है, लेकिन वहाँ से जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि वहाँ पर भूतिया घटनाएँ होती रहती हैं, इसलिए लोग रात को वहाँ पर जाने से कतराते हैं। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या भैया, आप भी भूत प्रेतों की बातों पर यकीन रखते हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होता, भूत प्रेत आपके दिमाग में होता है, रियलिटी में नहीं। और ये कहकर दोनों हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में कुलविंदर कहते हैं कि हम लोग शॉर्टकट वाले रास्ते से जाएंगे, देखते हैं कि हमें कोई भूत प्रेत मिलता है या नहीं, और दोनों हंसने लगते हैं। अब कार कुलविंदर चला रहे थे तो कुलविंदर कार को उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर ले लेते हैं और चलने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि पूरा रोड एकदम खाली पड़ा था, कोई भी गाड़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। उनका दोस्त बोलता है कि लगता है लोग इन बातों पर सच में बिलीव करते हैं, दूर दूर तक कोई भी गाड़ी या ट्रक दिखाई नहीं दे रहा है। रोड के एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ जंगल और खाई थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा था, कीट पतंगों की आवाज़ें आ रही थी और रोशनी का नामो निशान तक नहीं था, और उस रास्ते पर अकेले इनकी ही कार दौड़े जा रही थी। तभी अचानक इनकी कार एक झटके से बंद हो जाती है। दोनों कार को स्टार्ट करने का काफ़ी ट्राई करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि कार से बाहर निकलकर चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या हुई है। बट ऐसे कार से बाहर निकलना काफ़ी अनसेफ था, क्योंकि ये जंगल का रास्ता था और चारों तरफ सन्नाटा था, और डर इस बात का था कि कोई जानवर हमला ना कर दे, लेकिन असली डर के बारे में तो इन्होंने सोचा ही नहीं था। देन फाइनली ये लोग कार से बाहर निकलते हैं और कार के बोनट को ऊपर करके इंजन वगैरह चेक करने लगते हैं। सब कुछ ठीक था, कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी। ये फिर से कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही कार स्टार्ट नहीं होती है, और ऐसे में आसपास से हेल्प मिलने की उम्मीद भी काफ़ी कम थी। थोड़ी देर ये लोग वहीं खड़े होकर किसी गाड़ी या ट्रक के आने का वेट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। चल चलते ये लोग थोड़ी दूर निकल आते हैं, तभी उनको जंगल की तरफ से एक रोशनी दिखाई देती है और एक सकरा सा रास्ता उस ओर जा रहा था। इनको लगता है वहाँ जरूर कोई घर होगा और वहाँ से हमें मदद मिल सकती है। ये लोग उस रास्ते से जंगल की ओर जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी कॉटेज बनी हुई थी और रोशनी इसी कॉटेज से आ रही थी। ये लोग कॉटेज का दरवाजा नोक करते हैं और चारों तरफ देखते हैं। चारों तरफ से जंगल और उसका सन्नाटा पसरा हुआ था, और यहाँ पर सिर्फ यही कॉटेज बनी हुई थी और आसपास कुछ भी नहीं था।
और यह बात इन दोनों के लिए काफी स्ट्रेंज थी। तभी इनको अंदर से किसी के कदमों की आवाज आती है, कोई धीरे धीरे चलकर आ रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक बुढ़िया नजर आती है। एक बार तो ये दोनों उस बुढ़िया को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बुढ़िया काफी एजेड थी और उसके चेहरे और हाथ पैर पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, बाल एकदम सफेद थे और आंखें बड़ी बड़ी थी। कुलविंदर बोलते हैं, अम्मा हमारी कार खराब हो गई है और आसपास कोई मदद भी नहीं मिल रही है, क्या सुबह तक हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं? तो वो बुढ़िया बोलती है, हाँ अंदर आ जाओ। अंदर ले आकर वो बुढ़िया इनको कुछ खाने के लिए पूछती है, बट दोनों मना कर देते हैं कि हमको भूख नहीं है, बस हम दोनों काफी थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। तो वो बुढ़िया इनको एक रूम में ले आती है और कहती है, आप लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो। ये दोनों उस कमरे को देखने लगते हैं, वो कमरा काफी छोटा था। तभी वो बुढ़िया एक बिस्तर लेकर आती है और इन दोनों को दे देती है और बाहर चली जाती है। ये लोग बिस्तर लगाते हैं और आराम करने लगते हैं, बट इनको वहाँ से काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स फील हो रही थी और घुटन भी महसूस हो रही थी। और ये बात हम सबने भी नोटिस की है कि अगर हम किसी ऐसी जगह जाते हैं तो हमारे सेंसेस हमें वॉर्न कर देते हैं कि यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज है या नहीं है। हमारे सेंसेस जो हैं वो हमको एक वार्निंग दे देते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि शायद ये जगह काफी छोटी है इसलिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है, और वैसे भी सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों लोग सोने की कोशिश करते हैं लेकिन इनको नींद नहीं आ रही थी और ये जगह भी इनको काफी मनहूस लग रही थी। थोड़ी ही देर बाद इनको रूम के बाहर से किसी की आहट सुनाई देती है, कोई बाहर इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। इनको फील होता है कि शायद वही बूढ़ी अम्मा होंगी और कुछ सामान लेने आई होंगी, लेकिन ये सब आवाजें लगातार आती ही जा रही थीं और इन सब को नोटिस करते हुए इनको लगभग आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया था। अब कुलविंदर का जो दोस्त है वो धीरे से उठते हैं और बाहर दरवाजे की दराज से देखते हैं, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। और हैरानी की बात ये थी कि अब वो आवाजें भी आने बंद हो गई थी। वो फिर से अपनी जगह पर आकर लेट जाते हैं, तभी फिर से वही आवाज आनी शुरू हो जाती हैं। ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं कि बाहर तो कोई भी नहीं है लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है। वो आवाज इस तरह से थी कि जैसे कोई बाहर कोई इंसान सामान इधर से उधर रख रहा हो। थोड़ी ही देर बाद इन्हें कॉटेज के बाहर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। बाहर कोई दर से कराहते हुए कुछ ना कुछ बोले जा रहा था और इस आवाज को सुनकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। कुलविंदर और उनका दोस्त धीरे से उठते हैं और दरवाजा खोलकर चुपके से बाहर निकलते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि ये आवाजें कॉटेज के पीछे से आ रही थी, तो ये दोनों उस तरफ जाकर देखने लगते हैं कि आखिर ये आवाजें निकाल कौन रहा है। कॉटेज के पीछे का जो नजारा था उसे देखकर दोनों की दिलों की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और डर से कलेजा बाहर आ जाता है। कॉटेज के पीछे देखते हैं कि ये वही बुढ़िया है और कुछ तंत्र मंत्र कर रही है। वो बार बार ये बोले जा रही थी कि मेरे माली काली सत्यों के बेपनाह बादशाह, जागो और अपनी इस दासी की प्रार्थना को कबूल करो, मुझ पर अपनी शक्तियों की कृपा करो ताकि मैं सबसे शक्तिशाली डायन बन जाऊं। जागो जागो मेरे मालिक जागो। सब देखकर इन दोनों की डर से हालत खराब हो जाती है। ये दोनों वहां से भाग जाना चाहते थे लेकिन डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी ये देखते हैं कि उस बुढ़िया के सामने एक बहुत डरावनी आकृति प्रकट होती है। वो आकृति काफी बड़ी और डरावनी थी। तभी वो आकृति बोलती है कि पहले उन दोनों को तो संभाल लो जो तुम्हें चुपके से देख रहे हैं। और इतना सुनते ही वो बुढ़िया इन दोनों की तरफ पलट कर देखती है। इस समय वो बुढ़िया बहुत ही डरावने रूप में थी। उसके सफेद लंबे बाल खुले हुए थे, आंखें बड़ी और लाल लाल थी, उसका चेहरा गुस्से में बहुत डरावना लग रहा था। ये सब देखकर ये दोनों मान लेते हैं कि आज उन दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता है। दोनों बर्फ की तरह जम गए थे। कुलविंदर के दोस्त ने गुरुजी का दिया हुआ लॉकेट पहन रखा था और वो हिम्मत करके तेते चिल्लाने लगता है, वाहे गुरु वाहे गुरु। इसके बाद वो कुलविंदर का हाथ पकड़कर भागना शुरू कर देता है। ये दोनों वाहे गुरु मेहर करो वाहे गुरु मेहर करो चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। पीछे से उस बुढ़िया की आवाज आती है कि रुक जाओ वरना दोनों को मार दूंगी। और ये आवाज दोनों को बार बार सुनाई दे रही थी, लेकिन दोनों बिना पीछे देखे भागते रहते हैं। भागते हुए दोनों हाईवे पर आ जाते हैं और अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं।
कार के पास पहुंचते ही दोनों जल्दी से अंदर बैठ जाते हैं। कार का गेट लॉक करके दोनों गुरु नानक देव जी से प्रार्थना करते हैं कि आज हमें बचा लो और इस मुसीबत से हमें बाहर निकाल दो। तभी इन्हें पीछे से एक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी दिखाई देती है। ये दोनों जल्दी से कार से बाहर निकलते हैं और उस ट्रक को हेल्प के लिए रुकने का इशारा करते हैं। दोनों ही हाथ हिलाते हुए हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। खुशकिस्मती से ट्रक उनके पास आकर रुक जाता है। ट्रक वाला बोलता है, पाजी क्या हुआ? तो ये दोनों बोलते हैं कि हमारी कार खराब हो गई है। इनको इतना घबराया हुआ देखकर वो ट्रक ड्राइवर और उसका हेल्पर नीचे उतरते हैं। फिर ये दोनों उनको सारी घटना बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तो वो ट्रक ड्राइवर बोलता है कि इस रोड पर ऐसी कोई कॉटेज नहीं है, शायद आप लोग उस बुढ़िया के चक्कर में फंस गए होंगे। ट्रक ड्राइवर बताता है कि कई साल पहले यहाँ एक बुढ़िया रहती थी और वो काला जादू सीख रही थी। वो बुढ़िया डायन विद्या सीखना चाहती थी, लेकिन एक दिन उस बुढ़िया की लाश इस जंगल में पड़ी मिली। उसकी मौत बड़ी रहस्यमय तरीके से हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मरी कैसे है। कुछ लोगों का कहना था कि इस बुढ़िया को शायद काली शक्तियों ने मार दिया था। मरने के बाद ये बुढ़िया डायन बन गई और इस जंगल में लोगों को ये अपनी उसी कॉटेज के पास दिखाई देती है, लेकिन वो कॉटेज अब खंडर बन चुकी है। चलो आप दोनों खुशकिस्मत हो कि बच गए, वरना वो तुम दोनों की आज बलि दे देती। ये सुनकर इन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर बोलता है, मैं तो ट्रक में हमेशा गुरुजी की तस्वीर लगाकर रखता हूँ और जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ गुरुजी को याद करता रहता हूँ। बाकी लोग इस रास्ते पर रात को आने से डरते हैं। वो ट्रक ड्राइवर इनकी कार को चेक करता है और कार स्टार्ट करता है। हैरत की बात ये थी कि इस बार कार स्टार्ट हो जाती है। ट्रक ड्राइवर बोलता है कि आप दोनों मेरे ट्रक के पीछे पीछे अपनी कार को लेकर चलो, मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा। दोनों ट्रक ड्राइवर को धन्यवाद बोलते हैं और कार ट्रक के पीछे लगा देते हैं। जब ये कॉटेज वाले रास्ते के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सच में वहां कोई कॉटेज थी ही नहीं, बस खंडर था। दोनों ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। आगे जाकर ट्रक वाला बोलता है कि अब आप लोग सेफ हैं और आराम से जा सकते हो। दोनों फिर से ट्रक वाले पाजी को धन्यवाद बोलते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा उजाला भी होने लगा था। शिमला जाकर ये दोनों अपने क्लाइंट से मिलते हैं और वापस लुधियाना अब मेन हाईवे से ही आते हैं। कुलविंदर कहते हैं कि ये हमारे लिए एक लाइफ लेसन था कि कभी किसी की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसा कि इन दोनों ने उस चाय वाले की बात को मजाक बनाया था। और स्पेशली जब आप कहीं रात को जा रहे हो, अगर आप भी रात को कहीं जा रहे हो और कोई आपको इस तरह की एडवाइस देता है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्या पता आगे आपको क्या मुसीबत मिल जाए। बाकी आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी का लिंक और जीमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके या फिर इन रिटर्न भी मुझे भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी इस कहानी को मैं लोगों के सामने तक लेकर आऊं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।